देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश में अभी जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने 30 जून तक प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। परंतु बिलासपुर जिला के स्वरघाट में एक स्कूल इन आदेशों को दरकिनार कर बच्चों को स्कूल बुला रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी आदेशों को दरकिनार करके वो बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले बेहल या निजी स्कूल मनमानी पर उतारू है। प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी उपमंडल स्वरघाट के उक्त निजी स्कूल की मनमानी के वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त निजी स्कूल द्वारा पिछले 2 दिनों से ननिहालों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी निजी स्कूलों व कॉलेजों में 30 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं, ताकि बच्चों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी उपरोक्त निजी स्कूल द्वारा स्टाफ व बच्चों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल स्टाफ तो नौकरी के जाने से डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेवार अभिभावक स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ खड़े हुए हैं और कुछ अभिभावकों ने उक्त निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के कुछ वीडियो वायरल किए हैं, जिससे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव बना रहा है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त स्कूल में 12 जून को करीब 22 बच्चे तथा 13 जून को 15 से 20 बच्चे स्कूल बुलाए गए थे। यही नहीं, स्कूली बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बस को भेजा जा रहा है। ऐसे कोरोना संकट के समय में अगर स्कूल में बच्चों में संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? वहीं जब इस बारे में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री बिलासपुर सुदर्शन कुमार ने कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं SDM स्वरगढ़ सुवास गौतम ने बताया कि फिलहाल अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। पूछा तो प्रिंसिपल परमिशन है कि तेरे को स्कूल खोलने की है? अच्छा नहीं, कल भी आए थे तुम? हाँ जी कल भी आए थे। हाँ जी।